किसान भाइयों परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप बगैर ड्राइवर के। एनवीटी का स्टोरी पर चल रहा थ्रेसर मशीन तो भारत की प्रसिद्ध है ही, 2024 के अंदर लॉन्च कर दिया एनवीटी ने अपना स्टोरी पर। दोस्तों नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको खेतों में लेकर आ चुका हूं और किसान भाइयों को आप देख रहे हैं खेतों के अंदर स्टो रीपर मशीन चल रही है, भूसा बनाने की मशीन है। किसान जो है समय से अपना भूसे को अपने घर पर ले जाता है। 70% किसान भाइयों के जो है पशुपालन का कार्य होता है, किसान भाइयों को भूसा चाहिए होता है अपना पशुपालन करने के लिए। दोस्तों कंबाइन ने तो अपना काम कर दिया लेकिन किसान का भूसा अभी तक घर पर नहीं पहुंचा। इसका काम करने के लिए स्टो रीपर तैयार है, चल रहा है खेतों के अंदर। पूरी जानकारी लूंगा। ट्रैक्टर मेरे सामने आप देख रहे हैं, मैसी का ट्रैक्टर है और एनवीटी वालों का ये जो है आप देख रहे हैं स्टो रीपर है। एनवीटी थ्रेसर का तो आपने नाम ही सुना होगा, भारत का जबरदस्त थ्रेसर मशीन है। उन्हीं ने इस बार जो 2024 के अंदर अपना स्टो रीपर लॉन्च किया है। किसान भाई की जानकारी लेने के लिए मैं खेतों के अंदर आ चुका हूं, कहां पर किसान है, कैसे चल रहा है उनका ट्रैक्टर और क्यों आपको ये एनवीटी स्टोरी पर लेना चाहिए, पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार भैया जी, राम राम। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय कराइए, कहां से आप हैं, कौन सा गांव आपका? अपना ममेरा किलो गांव है जी, एलामा तहसील जी, सरसा जिला जी है। अच्छा अच्छा, जैसे कि हम आपके खेतों के अंदर आए हैं, आपका ये एनवीटी वालों का स्टोरी पर चल रहा है, तो सबसे पहले आप, मेरी रिक्वेस्ट ये है सच बोलना, सच के साथ झूठ मत बोलना, जो भी इसके अंदर खूबी हो या बेकारपन हो वो बताना आप जो है, ठीक है जी? ठीक। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, कब आपने ये स्टोरी पर लिया? अभी लिया, एक महीना हुआ है। एक महीना पहले? किराए के पर्पज से, भाड़े के पर्पज से लिया ना आपने जो है। तो ये बताइए कितना समय चलाते हुए आपको इसका हो गया? इसको तो बिया तो हमको 2002 से चला रहे हैं, लेकिन बढ़िया है एनवीटी वालों की। बिल्कुल, आपने 2002 से चला रहे हो तो आपको पहले भी आपने स्टोरी पर चलाए हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, इसमें और उसमें क्या अंतर आपको लगा? अंतर ये है, बड़ी है मशीन, चलने में बहुत शुद्ध है। अच्छा है जी, आपने कहा कि चलने में अच्छी है। ट्रैक्टर आपका कितने एचपी का है जी, कौन सा ट्रैक्टर आपका? ये 95 है, मैसी, मैसी का 95 है। आप हो किसान, डीजल के दाम दिन रात बढ़ रहे हैं, किसान के विपरीत डीजल के दाम होते जा रहे हैं, ये तो सब जानते हैं किसान भाई जो है। तो डीजल जो कम लेगा स्टोरी पर, लोड फ्री चलेगा तो आपको फायदा है, नहीं तो भाई साहब आप लेने के देने कर लोगे। सच कह रहे हो, झूठ कह रहे हो, बताओ? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है ना। लोड के मामले में बताओ, ट्रैक्टर लोड फ्री चलता है? नहीं, कितना लेता है घंटे के अंदर? कितना लेता है घंटे के अंदर? घंटे का 6 लीटर तेल लेता है। 6 लीटर तेल लेता है। और आप जो है ट्रोली भरने का कितना रुपए लेते हो किसान का? भाड़ा 1100 रुपए लेते हो जो है। तो मान के चलो कि आपको इसमें लाभ हो रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आपकी इसकी क्वालिटी के बारे में, बताओ कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी और सर्विस कैसी लगी आपको इनकी? सर्विस बहुत बढ़िया है इसकी, एनवीटी वालों की। ब्लेड से टूट जाए, कुछ दिक्कत आए तो फोन से उठाते हैं? नहीं उठाते, उठाते हैं। देखो किसान हो आप, किसान से अच्छी कोई चीज नहीं बताएगा, क्योंकि कंपनी वाले तो अपनी तारीफ करते हैं, उन्हें माल बेचना है, और आपको किसान हो आप, किसान झूठ नहीं बताएगा बिल्कुल जो है। तो आपको भी तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ना कोई दिक्कत नहीं। गारंटी वारंटी एनबीटी वालों ने कितनी दी है इसकी? फुल दी है एक साल की, कुछ भी दिक्कत हो जाए? अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं इसकी जो है, जैसे कि हम आपकी ट्रॉली देख रहे हैं, ट्रॉली कितनी बड़ी है जी? ये ट्रॉली तो 14 फुटी है जी। 14 फुटी है, 7 फुट चौड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब जो है एक दिन के अंदर कितनी ट्रॉलियां आप जो है इससे भर लेते हो? इससे 20 ट्रॉली आराम से भर लेते हैं, बड़ी ट्रॉली, छोटी तो 25-30 ट्रॉली भर लेते हैं। हाँ, छोटी वाली 25 थी, इससे थोड़ा सा साइज छोटा होगा। हाँ। ये जो है 20-25 आराम से हो जाती है, हो जाती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब बात करते हैं जी इसके जो है, पीछे से हम जो है पंखा देख रहे हैं इसका, ड्रम साइज देख रहे हैं, तो इसके बारे में और क्वालिटी बताओ आप कैसी है? बहुत बढ़िया है, पंखे के होगा की स्पीड सही है और है, चलने में शुद्ध है और है, चलने में बढ़िया एकदम जो है। क्वालिटी आपको अच्छी लगी जो है? अच्छा अच्छा, एक नंबर है। करते हैं, जैसे कि आपने ट्रैक्टर बताया आप, तो ट्रैक्टर के जो है पीटीओ को आपने कैसे कैसे सेट किया? ये इसमें ऑटोमेटिक ही सेट हो जाते हैं जो है? आप भी सेटिंग हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेयरबॉक्स की बात करते हैं, देखो गेयरबॉक्स जैसे कि अपना दिल है ना, इसका स्टो रीपर का भी दिल है, तो इसका जो है गेयरबॉक्स कैसा है बताइए थोड़ा सा? बहुत बढ़िया गेयरबॉक्स, गेयरबॉक्स के अंदर क्वालिटी लगी आपको? बढ़िया लगी। अच्छा, सब्सिडी के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या सब्सिडी भी आपको इसमें मिल जाएगी, बताया उन्होंने? सब्सिडी क्या है, मिल जाएगी, लेकिन देखो आने पर। अच्छा, आने पर सरकार की जो है आए तो अच्छा रहेगा बिल्कुल जो है। अच्छा अच्छा, तो क्वालिटी के मामले में बात करें
तो आपने बताया कि क्वालिटी एकदम जबरदस्त वाली है। अब सर जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि 70% किसान भाई पशुपालन करता है और भूसा बिल्कुल चाहिए मतलब महीम, अच्छा तो भूसे की क्वालिटी क्या रहती है सर? भूसे की एक नंबर क्वालिटी है इसकी। अच्छा मतलब जो मोटा तो नहीं करती जाता जो जैसे पशुपालन पशु ना खाए जो है? ना ना बहुत बढ़िया खाते हैं। अच्छा अच्छा एकदम बढ़िया क्वालिटी रहती है भूसे की जो है। अच्छा अच्छा टायरों के बारे में बात करता हूँ मैं, टायर साइज जो है तो टायर साइज कैसा दिया है ये इसका, इससे क्या काम करते हो आप? थोड़ा सा खोरा डगल आ जाता है मशीन के अंदर आप ही, ये क्या काम करेगा सर? इसमें कोई डगल आ जाए नहीं वो आप ही डाल देती है पीछे। अच्छा 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 अब जैसे कि पीछे मैं देख पा रहा हूँ ये इधर से क्या हम पीछे से क्या लगा रहे हैं ये क्या सिस्टम है सर ये बताइए थोड़ा सा? यहाँ इसके अंदर पंखे हैं। अच्छा अच्छा पंखे क्या काम करते हैं सर इसका? तूड़ी ऊपर घुसा चढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा मतलब कि जैसे क्या तूड़ी का पंखे लगे होते हैं प्रेशर बनाने के लिए? प्रेशर बनाने के लिए। किसान भाइयों परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप बगल ड्राइवर के, एनवीटी का स्टोरी पर चल रहा थ्रेसर मशीन तो भारत की प्रसिद्ध है ही, 2024 के अंदर लॉन्च कर दिया एनवीटी ने अपना स्टोरी पर। गेहूं देखो कितनी नीचे से कटक ये काट कर जो है भूसे का बनाने का काम कर रहा है, देखो शानदार तरीके से काम कर रहा है, देखो कंबाइन ने अपना काम किया भूसा कितना छोड़ दे देखो, और एनवीटी का कितने शानदार तरीके से जो है स्टोरी पर काम कर रहा है, देखो जबरदस्त परफॉर्मेंस है। मैसी का ट्रैक्टर चल रहा है लोड फ्री एकदम बिल्कुल, देख सकते हैं आप एनवीटी स्टोरी पर का वादा, भूसा निकले सबसे ज्यादा ट्रैक्टर चले लोड फ्री, बहुत ही जबरदस्त दोस्तों। अहलाबाद हरियाणा के अंदर दोस्तों मैं आया हूँ, हिसार के अंदर अहलाबाद पड़ता है, जबरदस्त किसान के खेतों के अंदर लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, क्या शानदार तरीके से जो है स्टोरी पर काम कर रहा है दोस्तों, लाइव डेमो दिखा रहे हैं। देखो 14 फुटी ये ट्रॉली है देख सकते हैं, गजब का जो है भूसा निकाला है, देखो भूसे की क्वालिटी को आप चेक कर सकते हैं, गजब की भूसे की क्वालिटी है बिल्कुल एकदम शानदार क्वालिटी दोस्तों, स्टोरी पर काम कर रहा जो है दोस्तों आपने देखा एनवीटी का स्टोरी पर गजब का परफॉर्मेंस कर रहा है भाइयों। आज आपने जो है एनवीटी का स्टोरी पर देखा भूसा बनाने की मशीन, तो दोस्तों इस मशीन से किसान भाई काफी संतुष्ट हैं और अपना भूसा भली भांति बना रहे हैं और किसान भाइयों का काम करके पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी हुई आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, मिलता हूं ऐसी की नई वीडियो के साथ, नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम।